आप घर ले जाओ, यहाँ ला के मना उतारा तो इन्होंने दूर से जगह यहाँ। ओ भिवानी के तो हेल्पलाइन में हॉस्पिटल का जो मामला है ये आपके सामने है। फर्स्ट टाइम देख लगा फिलहाल आप ऐसा धमाका न्यूज मंजीत सोहाना रतेरिया के साथ में इस टाइम लाइव जुड़ रहे हो भिवानी से। वहीं भिवानी आप देख लगा सामने जो है लाइव लाइन में हॉस्पिटल है, वहीं पे कुछ मामला निकल के आया है। जैसे कि हमें शिकायत मिली थी भाई ऐसे ऐसे जो है वहाँ पे डॉक्टरों की लापरवाही से जो एक आदमी की जो डेथ होगी है, तो उसके ऊपर जो है स्पेशल इनसे बातचीत करांगे। प्रीतन अपना साथ में है, राम राम। मेरा लड़का अमित 2 तारीख को यहाँ दिखाने के लिए आया था लाइफ टाइम में घर दम कर, इन्होंने उसको एडमिट किया और बोला 8-10 घंटे को रखना पड़ेगा। उन्होंने फिर 6 बजे तक उसको एडमिट रखा। 6 बजे बोले आप, मेरे को बोले आप घर ले जाओ। मैंने कहा जी घर क्या करेगा, सुबह फिर 9 बजे आना है। बोला ना सुबह 9 बजे ले आना, रात को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसको 6 बजे घर ले गया। दिन में भी मैं आया था तब भी मैंने इनसे पूछा, बोला ना ठीक है थोड़ा इन्फेक्शन है ठीक हो जाएगा। मैं 6 बजे घर ले गया, लड़के को 7:30-8 बजे के करीब फिर तकलीफ हुई दोबारा। मैं यहाँ लेके आया रात को, मेरे साथ आपकी खड़ा हुआ भी था और मेरा जूदा महेश भी था। हमने यहाँ आए तो हम लोग को उतारा, उसको काफ़ी सांस खींच के आ रहा था। तो मैंने बोला बेटा तेरे को क्या तकलीफ है, बोला सांस नहीं आ रहा मेरे को, बहुत तकलीफ हो रही है इसमें। यहाँ ला के मैंने उतारा तो इन्होंने दूर से सरेंडर कर दिया कि यहाँ तो डॉक्टर साहब नहीं है। मैं बोला इमरजेंसी है, इंदौर पेशेंट है भाई, डॉक्टर साहब नहीं है। तारीख को लेके आए, 2 तारीख को, 2 तारीख को फिर लेके आए दोबारा से उसी दिन में लेके गए थे। 8:30 वापस आ गए, उन्होंने कहा डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर को बुलाओ भाई, बोला वो 2 बजे बाद डॉक्टर नहीं आता, दिन में 2 बजे तक आता है, उसके बाद डॉक्टर नहीं आएगा। मैं बोला इसको ऑक्सीजन लगाओ, आशीष ने बोला इसको कुछ तो दो इसको। ये करते करते वो लड़का 10 मिनट के अंदर पूरा हो गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। यानी कि आपका जो आप जो कहना था हो, वो जो कहना था हो, जब हम हॉस्पिटल के अंदर लेके आए तो उनको जो फर्स्ट एड मिलनी चाहिए, प्राथमिक सहायता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली। वह कोई भी नहीं मिली, ना डॉक्टर था ना कोई था, ना कोई कंपाउंडर होगा तो कुछ पता ही नहीं होता। मतलब देखते देखते जो डॉक्टर की लापरवाही से, जिनमें डॉक्टर ने पैसे लिए हैं उसका इलाज कराया है, लेकिन शाम को जब लेके आए, जब इमरजेंसी, जब उसको इलाज की सख्त जरूरत थी, उस टाइम डॉक्टर साहब नहीं आए, नहीं आपको सवाल हमारी गुजर सकता है। डॉक्टर साहब फिलहाल जो है गुजरानी जो सरपंच प्रतिनिधि है वो अपने सामने है और उनका भी साफ साफ यो कहना है भाई, जिस टाइम पे तो पेशेंट को यहाँ पर लेके आए गए तो प्राथमिक सहायता देनी होती है, जो प्राथमिक उपचार करना होता है वो नहीं करा हॉस्पिटल वालों ने। हाँ जी बिल्कुल नहीं करा, मैंने बार बार गुहार लगाने पर कुछ तो करो लेकिन उन्होंने साफ का ध्यान ही नहीं दिया। करते करते लड़का पूरा हो गया, फिर एक एम्बुलेंस मंगा के कदम में ले गया, लेकिन तब तक लड़का था ही नहीं। तो मैं फिलहाल देख सको हो भिवानी के जो है लाइफलाइन हॉस्पिटल का जो मामला है ये आपके सामने है और इस मामले के ऊपर हम जो है हॉस्पिटल स्टाफ से भी बात करना चाहवा। तो फिलहाल भाई उसके साथ में आपने देखा होगा भाई लाइफलाइन हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हाँ भिवानी के अंदर, वहीं पर अपना जो है अलाउद साहब भी अपना जरूर रहे हैं और उन तक हम बातचीत करेंगे। तो अलाउद साहब के मामला है, यो दो गुजरानी वाला मामला है, यो के मामला है भाई साहब? गुजरानी के ये पेशेंट थे और 2 तारीख को ये भाई दिन में यहाँ एडमिट था। देखो सबसे पहले तो मैं इसमें कोई अपनी पैरवी नहीं कर रहा, ना हॉस्पिटल की पैरवी कर रहा, क्योंकि गुजरानी वाले जो भाई हैं वो बीमारी जानकार हैं और हॉस्पिटल प्रशासन भी जानकार है भाई। मैं उनका लीगल मामलों में हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब की तरफ से मदद करता हूँ, बाकी लीगल मामले वाली भाई को इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो ये है कि 2 तारीख को ये भाई यहाँ एडमिट था, ऐसा ही उन्हें बताया जैसे मुझे आज पता लग गया। 2 तारीख को यहाँ एडमिट था, शाम को ये इसने घर ले गए थे और ठीक लग रहा था। उसके बाद फिर उसके भाई का 8 बजे के आसपास कोई तकलीफ पड़ेगी, वो हॉस्पिटल में उसने ले किया, हॉस्पिटल में लेके आगे तो डॉक्टर साहब थे नहीं, अपने जो गेट के ऊपर जो रिसेप्शन वगैरह है उन्होंने बता दिया था डॉक्टर साहब नहीं है, और डॉक्टर साहब आ भी नहीं पाऊंगे क्योंकि हमारे मैडम डॉक्टर साहब की तबीयत, यानी कि गेट के अंदर एंट्री होती जो है बता दिया रहा हॉस्पिटल स्टाफ ने भाई डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, डॉक्टर साहब को दी जाती मरीज को दी जाने वाली जो फिलहाल की सुविधा है डॉक्टर साहब द्वारा, डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी डॉक्टर
24 घंटे तो वर्किंग कंडीशन में रह नहीं सकता, उसका अपना घर परिवार भी है, बाल बच्चे भी है, सारी चीजें, डॉक्टर साहब अपने घर चले गए। और उसके बाद आरएमओ और जो हॉस्पिटल का नाइट स्टाफ है वो इस तरह की हॉस्पिटल के अंदर और तो सारा स्टाफ अवेलेबल था एक, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं थे। डॉक्टर मनोज वोरा जिनके ऊपर भाई लोगों का मन टूटता है कि भाई बढ़िया डॉक्टर है, तो डॉक्टर साहब यहाँ अवेलेबल थे नहीं, तो इन्होंने बता दिया था कि जी डॉक्टर साहब नहीं है। और निश्चित रूप से मैं लग नहीं रहा था रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम है, तो हमारे स्टाफ ने बता दिया था कि डॉक्टर साहब आप इनको इनके साथ अटेंडेंट थे कि भाई मेन गेट पे ये भी डॉक्टर साहब आओ नहीं गए, आप इन्हें कदम में ले जाए, कदम तो हमारे नज़दीक का सेंटर है, तो हमने उसके लिए रेफर कर दिया, उनको बता दिया। फिर क्या हुआ, कदम वाली हमने बता दी थी, कदम के बाद फिर थोड़ी देर के बाद उसमें जैसे ही उन्हें अंदर ले गए, उसको उपचार का प्रयास किया, अंदर हमारी ये सजेस्ट करने के बाद कि आप इसने कदम में ले जाओ, वो गेट के आसपास ही उस लड़के ने चक्कर आ गए, चक्कर आ गए तो फिर जाहिर तौर पर कि भाई कोई भी प्राथमिक उपचार करने के बाद है, वो उसके साथ जो अटेंडेंट थे उन्होंने कहा जी आपको इसका प्राथमिक उपचार कर दो ताकि हम इसे फिर आप बताओ वैसे दूसरी जगह ले जाओ। तो यहाँ फिर उसके हमारे जो आरएमओ था उसने उसका टीका लगा दिया, टीका लगा दिया और थोड़ी सी और प्रॉब्लम लगी तो उसका CPR भी दिया है। और फर्स्ट एड पर एक हॉस्पिटल में इतना ही करते हैं, हमारा कोई कार्डिक का कोई सेंटर नहीं, हमारा तो MD मेडिसिन डॉक्टर है, तो जैसे ही यूँ लग गया कि भाई ये हमारे कुवत से बाहर की चीज़ है, वो पहले ही हमने तुमको सजेस्ट कर दिया था। रही बात दूसरी कि भाई मैं इसमें पैरवी करने वाली बात नहीं है कि भाई हम अपनी कोई पैरवी कर, एक हॉस्पिटल कोई भी हॉस्पिटल धरती का किसी भी कोने का, भारत के किसी भी कोने का हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल की का मेन प्रयोजन ये है कि भाई हम अपने पेशेंट की जान बचाएं। और हजारों भाई पेशेंट देश के अंदर उपचार के दौरान हॉस्पिटलों के अंदर गुजरते भी हैं, किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर की, किसी भी अटेंडेंट की, किसी भी नर्स की कहीं तक भी कोई ये भावना नहीं रहती कि हम उसकी जान ना बचावा। एक डॉक्टर लड़ता है अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए, और जहाँ जिस तरह से इनका अभी पेपर में फेल हो जावा, बच्चा मेहनत करने के बाद भी हो जाए, इस तरह से कई डॉक्टर भी फेल हो जाते, नहीं जान बचा पाते। फिर इसने आग्रह भाई परमपिता परमेश्वर की मर्जी, हमने तो पूरी कोशिश करी। तो भाई फिलहाल जो आप देखने लग रहे हो पूरा जो है मामला आपके सामने है, जहां परिजनों ने आरोप लगाए थे कि भाई हॉस्पिटल के अंदर हमें फास्ट एड की जो सुविधा थी वो नहीं मिली, डॉक्टर साहब नहीं पूछे, वहीं पर मामला जो है साफ साफ होने लग रहा है भाई यहां पर फास्ट एड की सुविधा भी मिली थी। और भी भाइयों से बता दूं भाई, डॉक्टर जो है आपने अपना जो है भगवान तो देखा नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर को भगवान का रूप में अगर किसी को देखना चाहो तो वो डॉक्टर है जो कि हर व्यक्ति के जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास करता है। और वहीं पर जो है ऐसे आरोप लगने लग रहे हैं जिसका कि आप सबके सामने है भाई, हॉस्पिटल के अंदर फास्ट एड वगैरह सब दी थी। बाकी भाई कमेंट सेक्शन में अपनी जो है राय जरूर दे भाई। जय हिंद, जय भारत।